सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम करने जा रहे हैं दो बाइक का यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट। तो अभी हमारे साथ दोनों बाइक जो हैं सेम सीसी और सेम ब्रांड की हैं, आप देख सकते हो। और दोनों ही यहाँ पे सेकंड जनरेशन बाइक हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बाइक। तो ये है KTM की ड्यूक 200 नई वाली सेकेंड जनरेशन। इसके पहले आपको आती थी फर्स्ट जनरेशन, तो ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है सेकेंड जनरेशन। और ये बगल में है KTM RC 200, ये भी सेकेंड जनरेशन है। तो दोनों ही बाइक यहाँ पे सेम कैटेगरी, सेम सीसी, सब कुछ सेम है, बस ये नेकेड है, ये फेयरिंग है। देन प्राइस इसका ज़्यादा है। कुछ इसमें स्पेक्स मतलब डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, पूरा TFT मिलता है, आपको देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको वही पुराना ओल्ड मीटर मिलता है। तो यहाँ पे ये चेंजेस हैं, बाकी तो भाई आप देख सकते हो दोनों ही बाइक। और इसमें भी आपको हैलोजन वाले हेडलैम्प्स आते हैं, इसमें आपका LED आ गया है फिलहाल। तो बाकी इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है और इसका प्राइस इससे कम है। तो चलिए रेस शुरू करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट और क्या परफॉर्मेंस होता है। हमारे साथ रेस करेंगे कुंदन भाई, और इनका वेट भाई मेरे से ज़्यादा है। और बाकी हमारे भाई लोग आज साथ में आए हुए हैं, इधर ये रोशन भाई हैं और ये सत्येंद्र भाई हैं। तो बाकी वीडियो भाई शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपसे सीधे बाइक पर। धूप भाई बहुत ज़्यादा है, हॉर्न इसमें खराब है। सेम पावर है। पिकअप बढ़िया है इसका, और ड्यूक एकदम बगल में है मेरे, दोनों एकदम नेक टू नेक, हेड टू हेड। और ड्यूक यहाँ निकलती हुई भाई, दोनों में बहुत बढ़िया लड़ रही है भाई। हालांकि ड्यूक आगे नेकेड होने के बाद भी फिर से गियर शिफ्ट करने के टाइम पे पीछे हो गई है। वेट का थोड़ा सा फायदा मिल गया ड्यूक को, लेकिन ज्यादा देर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे RC को एरोडायनेमिक का फायदा मिला है। टक्कर दे रही है ड्यूक, ड्यूक अच्छा टक्कर दे रही है भाई RC को। हालांकि RC विनर होगी, ज्यादा पीछे नहीं है क्योंकि वो एक शेयरिंग बाइक है। ज़्यादा पीछे नहीं था, बेहतरीन भाई, लेकिन जो टक्कर था वो बहुत कांटे का था भाई। भाई क्या परफॉर्मेंस था, पावर तो सेम है, मस्त है ना, पावर सेम, बस नेकेड की वजह से पीछे थी ये, नेकेड की वजह से पीछे थी, नेकेड की वजह से इसको एरोडायनामिक मिल गया। हाँ, पावर सब सेम था, सेम था, लेकिन फायदा मिला था वेट का। हाँ, वेट का फायदा लॉन्चिंग में मिला था, तो भाई यहाँ पे लॉन्चिंग में वेट का फायदा था। और बाकी मजा आ गया भाई, सेकंड राउंड शुरू करते हैं। चलिए है यार, उसमें इनिशियल पावर है, इनिशियल है भाई, और मेरे से मिस्टेक हो गई लॉन्चिंग में। अबे ये हो क्या गया, बहुत पावर उसमें, और मेरे से लॉन्चिंग में मिस्टेक हुई थी थोड़ी सी। अरे भाग जा धन्नो, भाग गए धन्नो भाई, भाई भाई पावर है ड्यूक में। नेकेट की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ये देखिए निकल गया, ये 131 पे ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है यार, मानना पड़ेगा पावर था भाई।
है। लिमिटर खा रही है ये लिमिटर, यू मेरे पीछे है। भाई और इसमें लिमिटर आते जा रहा, बार बार लिमिटर आ रहा है। एक बार देखते हैं ड्यूक को, और एकदम से 736 पे गिर जा रही है। लिमिटर पाते ही बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जा रही है स्पीड। एंड भाई अब और ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा गला सूख चुका है। तो परफॉर्मेंस आरसी इज द विनर। बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट परफॉर्मेंस था भाई, मजा आ गया एकदम, मजा आ गया भाई। स्टार्टिंग में मेरे से गियर मिस हुआ था। अरे नहीं, मैंने कुछ शिफ्टर समझ के मारा, वो लगा ही नहीं साला, और मैं पीछा होता गया। भाई जो गर्मी लग रही ना, गला सूख गया। पानी तुम्हारे पास है? हाँ मेरे पास है। तो अभी यार देख सकते हो बहुत ज्यादा हालत खराब है। ये रही भाई क्या रिजल्ट था यहाँ पे, थोड़ा सा गियर मिस करने की जैसे ड्यूक में रियल में पावर दिखा, मतलब दोनों में सेम पावर है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्राइस की बात करें आरसी का ओवर प्राइस है, और बट लुक भी देती है आरसी आपको। कुछ चीज़ें उसमें एडवांस, कुछ टेक्नोलॉजी उसमें है, थोड़ा सा एडवांस है बाइक वो इसलिए। और बाकी होप करते हैं वीडियो को अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी सवाल इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों जगह फॉलो करते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टिल देन बाय बाय, राइट से।